हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग बच्चों का अगला टॉपिक शुरुआत करेंगे जिसमें फाउंडेशन वाले बैच का चलेगा। क्या चलेगा कि प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं, इसके कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कैसे हम इसको ट्रायंगल समझेंगे, कैसे ट्रायंगल नहीं समझेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बच्चा आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप क्या करिए, अपना एक रफ लेके, अपना एक पेन लेके बैठ जाइए, आप मन करेगा तो ईयरफोन भी लगा लीजिए कान में, ठीक है। क्लासेस ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। आज जो नहीं आता है आपको समझ में, आप जो है क्लासेस का जो हेल्पलाइन नंबर है 95 69 45 90 81, ठीक है, फोटो क्लिक करके आप भेज सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। इसी व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे, आपको उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं बता दिया जाएगा, ठीक। तो आपको अभी आपको समझना, 1 से 3 नंबर के लिए आप लोग के टीचर्स ये दे सकते हैं। इसमें जो कहा जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ऐसे 3 लाइन आप खींचिए, 3 लाइन, और तीनों को ऐसे कर दीजिए जो बंध जाए, मतलब तीनों घिरा जाए, कहीं बाहर ना जाए, ठीक है। एक आप ऐसे कर दीजिए, कर दीजिए सर जी, एक ऐसा ये वाला किस इधर करती है, ये वाला किस इधर करती है, ऐसे ट्रायंगल बन गया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिखिए, ऐसे भी कर दीजिए, तब भी ट्रायंगल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे करके इधर से भी लिख दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए, तब भी आप मन करेगा तो आप ऐसे भी कर दीजिए। किसी की लाइन बड़ा कर दीजिए, किसी की लाइन छोटा, तब भी ट्रायंगल। तीन, बस 3 लाइनिंग से वो घिरी हो, किसी भी हो 3 लाइनिंग से, ए बाला 3 लाइनिंग से घिरी हो। तो देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक का पहला लाइन हो गया, हाँ ठीक है, और यहाँ से हो गया ये तीसरा हो गया, और यहाँ से हो गया तीसरा हो गया। सुनो यहाँ से देखो, या इधर से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से तक दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, या यहाँ समझो यहाँ से पहला, ये दूसरा, तीसरा हो गया यहाँ से, या इधर से पहला दूसरा तीसरा, तीन जो है 3 साइड है होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास पेन है, तो तुम भी अपना पेन दो, है देखो ऐसे किए दो, तुम अपना पेन दो, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हम इसको मिलाने का काम करें, ऐसे मिल जाएंगे, देखो ये ट्रायंगल हो गया, 3 साइड हो गया ना, तीनों बंद हो गया ना, क्लोज हो गया, यहाँ पे ऐसे मैं लगाया हूँ, क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप इसको ट्रायंगल बोल सकते हो, क्लियर, चलो ठीक है। तो 3 साइड आपके बदे होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल हो गया। आप कोई ऐसे भी खड़ा करके कर दो, तो ऐसे तभी देखो एकदम सीधा खड़ा तभी होगा, ट्रायंगल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक वो ऐसे बड़ा छोटा भी लेता हूँ, एक इधर सोना ऐसे ऐसे तभी ट्रायंगल बन रहा, समझ में आ गया ट्रायंगल। चाहे ये वो झुका सोना तो ऐसे करके तभी हो गया, किसी भी तरह से आप बनाओगे ट्रायंगल बनाएंगे। 3 साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 साइड होना चाहिए। मान लो यहाँ पर नाम लिखते हैं, ये कट यहाँ कट किसी को लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चा, ये नाम लिखते हैं ए बी सी सी, कुछ भी दो, पी क्यू आर, मामा नानी बाबा, ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान चाइना, ठीक है, राम लक्ष्मण भरत, डी जी माइंडेड, ठीक,
कुछ भी नाम लिख दो तुम अपना, अपने दोस्तों का नाम लिख दो। कुछ नाम लिख दो, ठीक है? हरी फला हरी चीनवा हरी देखा कुछ भी ऐसा लिख देते किसी भी तरह से आप बनाकर ट्रायंगल दिखा दो, वो ट्रायंगल है बेसिक है बस। इसी को आप लोग बेसिक कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिक कहा जाता है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के ट्रायंगल जिसको यहाँ पे देखो ट्रायंगल मतलब तीन क्या होना चाहिए, तीन। अब देखो एंगल की बात क्या आ गया, क्या क्या आ गया एंगल का, ठीक है? इसका हिंदी होता है त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज, त्रि मतलब तीन हो गया, इसका नाम देते हैं, ठीक है? तीन साइड त्रिभुज, तो इसका नाम भी लिखते हैं एंगल में। देखो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल, जहां दो एंगल कट करे, जहां पे दो लाइन कट करे, क्या करे? दो लाइन कट करे, वहां पे ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो ये कैमरा का जो स्टैंड लगा हुआ है, यहां से देखो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, यहां पे हुआ ना, ठीक है? कुछ भी नाम लिख दो, यहां पे एक एंगल, दो एंगल, तीन, वन टू थ्री, इधर से सपोज करो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये एंगल है, क्या है एंगल, इस पे सिर्फ एंगल हो जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ एंगल के नाम है, इसको क्या कहेंगे? एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंगल, ठीक है? एंगल, 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 ठीक है? आप ये एंगल बोलो, एंगल, 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 कोण, 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 इंग्लिश में हिंदी में कौन कौन कहेंगे, कौन 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 कह कोई लगेगा, ठीक कौन कौन समझते हो, ठीक है? तो इतना हो गया, क्लियर, ठीक है? तो ये चीजें आपके लिए होता है। अब देखो साइड की बात करते हैं, साइड एंगल समझ में आ गया, ठीक है? ट्रायंगल का रहेगा तो तीन साइड, तीन तीन को मिलकर रहेगा क्या, तीन साइड, डब्बा, उसमें चार कोना नहीं रहता, चार को तीन कोना रखना, जैसे तुम करो डब्बा बनाने के लिए ना, ऐसे करो ना, एक दो तीन चार एंगल है, गोला में, गोला में, गोला में तू बना के जो फिट करोगे इस तरह से करो, ऐसे ऐसे ना, लो यहाँ पैसे बनाओ, तब पैसे करवाता हूँ, डिजाइन होता है एक दो तीन, समझ गया? इस तरह से होना, क्लियर? तब देखो साइड की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे? साइड की। मान लो यहीं से इसका साइड निकालते हैं, साइड, हाँ, किनारा, किनारा, देखो साइड में क्या, ए बी साइड हो गया, क्या हो गया? ए बी, ए बी साइड, यहाँ क्या रहेगा? बी सी साइड, सी क्या हो गया? सी, सी, ये तीन साइड हो गए, क्या हुए? साइड, साइड, हाँ, क्यों क्या? इसका नाम, इसका साइड क्या क्या होगा? इसका नाम, इसका साइड का क्या होगा? PQ, PQ, QR, R, हाँ, PQ, QR, QR, RP, 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 ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पर नाम लिखो इसका, इसका बताओ, M N, हाँ, N B, N B B या B लिखना था, किसी भी किधर से चलो होना चाहिए, ठीक है? बाकी का तुम लोग जो है जरा हमें साइड लिख के दिखाओ, ठीक है? सुनो अब वर्टेक्स की इसी में बात किया जाता है, किसकी बात किया जाता है? वर्टेक्स। अभी तो आपने ट्रायंगल में देखा साइड देखा, हाँ, एंगल देखा, एंगल हाई अंदर वाला ही एंगल होता है, क्या एंगल, 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 साइड भी देख लिया, साइड हो गया। अब वर्टेक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? वर्टेक्स, वर्टेक्स,
जिसको हिंदी बोलते हैं सिल्स, क्या बोलते हैं सिल्स, सिल्स ठीक है सिल्स, हाँ जहाँ पे दो लाइन अंदर करता हूँ वही सिल्स होता है, क्या था सिल्स, वर्टेक्स, क्या कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स से हम देखो वर्टेक्स से क्या ये है ना, वर्टेक्स क्या नंबर ये हो गया, हाँ यहाँ पे देखो ये क्या है वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे इतना था बी, यहाँ वर्टेक्स क्या है बी हो गया, यहाँ वर्टेक्स क्या हो गया सी, सी हो गया ठीक है। वर्टेक्स जो है जहाँ पे दो लाइन कट कर जाए, क्या कर जाए कट गया, जहाँ पे दो लाइन ऐसे मिल गया है जो वर्टेक्स कर जाए ठीक है, और एंगल भी वही से बन जाता है, क्लियर, एंगल भी बन जाता है वर्टेक्स भी हो जाता है, श्योर कंफर्म। तो इस तरह से आपका होता है, ये पूरा आप बना लीजिए, अजरा इसका जिसका जिसका नाम नहीं मैं लिखा हूँ आप अपने तरफ से नाम लिखिए, जैसे इसका नाम लिख लीजिए कुछ भी और, हाँ ठीक है, और उसका एंगल भी दिखाइए, एंगल कहाँ कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ कहाँ है और उसके साइड साइड कहाँ कहाँ है, तीन चीज़ें आपको करना है, साइड करना है, वर्टेक्स करना और एंगल करना, याद रहेगा ना साइड वर्टेक्स एंगल या एंगल साइड वर्टेक्स, कोई भी तीन आगे पीछे आप कर सकते हैं तीनों को ठीक है। तो इस तरह से जब बच्चा आप पढ़ोगे ना तो बहुत बढ़िया कर पाओगे, और वीडियो माइंडर इस पर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, कराते रहो, जो नया पूछते रहो, सो थैंक यू।